हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। गाइस, आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं जो है ग्रुप थ्योरी का एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करने वाला हूं, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में आप लोगों से लगभग हर साल या एक साल दो साल के गैप में आप लोगों से ज़रूर पूछा जाता है। सो थ्योरम को मैंने नोट कर लिया है, सो वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब जो थ्योरम है वो क्या है हमारा, टू प्रूव दैट ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू वी इनवर्स ए इनवर्स फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी। जो ए बी है, ए बी का जो होल इनवर्स है वो हमारा बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर जो है हमें शो करना है, और जो ए और बी है फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी। जी जो है हमारा क्या है, ग्रुप यहाँ पर जो है हम इसको असाइन करेंगे, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ इनवर्स ऑफ टू एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप जी इज द प्रोडक्ट ऑफ द इनवर्सेज टेकन इन द रिवर्स ऑर्डर, है ना। देखिए क्या कहा जा रहा है इसमें, अगर थ्योरेटिकली हम अगर इसको देखना चाहें तो हमें क्या बताया जा रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इनवर्स ऑफ टू एलिमेंट के प्रोडक्ट का जो इनवर्स है ऑफ अ ग्रुप, एक ग्रुप का जो है दो एलिमेंट का जो प्रोडक्ट है उनका इनवर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ द इनवर्स इज टेकन इन द रिवर्स फॉर्म। अगर वो जो प्रोडक्ट है उनको हम रिवर्स फॉर्म में लेते हैं तो उसके बराबर होता है। देखिए ये रिवर्स फॉर्म में है ना, उनके इनवर्स का रिवर्स फॉर्म। सो इसको हम प्रूव करने के लिए देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो एलिमेंट जो है, जो जी हमारा ग्रुप दिया हुआ है, अगर जी एक ग्रुप है तो वो नॉन एम्प्टी तो नहीं हो सकता है, वो उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट जरूर होगा, तो हम उन एलिमेंट्स में से कुछ दो एलिमेंट हम यहाँ से जो है निकाल लेंगे। सो लेट ए एंड बी एनी टू एलिमेंट्स ऑफ जी, है ना, ए और बी जो है जी का कोई दो एलिमेंट हमने ले लिया है। अब नाउ इफ ए इनवर्स एंड बी इनवर्स आर द इनवर्सेस ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, अगर ये ए इनवर्स और बी इनवर्स जो है आपका दो इनवर्स है, किसका किसका, ए इनवर्स जो है ए का इनवर्स एलिमेंट है और जो बी इनवर्स है वो बी का इनवर्स एलिमेंट है ना, समझ में आ रहा है, बी का इनवर्स एलिमेंट है। सो हम अगर इनवर्स के डेफिनेशन से हमें पता है, इनवर्स का डेफिनेशन क्या कहता है कि अगर हम किसी एलिमेंट की उसके इनवर्स के साथ अगर ऑपरेट करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाता है। सो हम यहाँ पर हमने वही किया है, देखिए ए इनवर्स ए इज इक्वल टू ई, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए इनवर्स इज इक्वल टू ई, ई हमारा क्या है यहाँ पर एक आइडेंटिटी एलिमेंट्स है। आपको आई होप के आइडेंटिटी एलिमेंट के बारे में पता होगा, अगर आपको इसके बारे में पता नहीं है तो आईटीएफ पर जाकर के जो है ग्रुप का जो लेक्चर था हमारा, इंट्रोडक्शन वीडियो था, उसको आप पूरा देख लें तो आप लोगों को जो है आइडेंटिटी एलिमेंट और जितने भी हमारे इसके प्रॉपर्टीज होते हैं ग्रुप के वो सारे आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए। सो नाउ अब देखते हैं, जो बी हमने लिया था, देखिए बी भी तो बी भी हमने जो है एक एलिमेंट लिया था जी में से, सो हमने उसका जो इनवर्स हमने माना था वो बी इनवर्स माना था, है कि नहीं। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए बी इनवर्स भी सेम इसी तरह से इनवर्स के डेफिनेशन से, है ना, आप यहाँ पर चाहो तो लिख भी सकते हैं, बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स, ओके स्टूडेंट्स, बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स। सो नाउ अब हम यहाँ पर जो है एक एसोसिएटिव कंपोजिशन का यूज करेंगे। देखिए एसोसिएटिव कंपोजिशन क्या है कि जो ए बी है ना, हमें इनके प्रोडक्ट उनके क्या करेंगे, उनके इनवर्स के साथ ऐसे हम जो है मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ए बी, बी इनवर्स ए इनवर्स, इसको हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर बाय कंपोजिशन ऑफ एसोसिएटिव, है ना, तो कंपोजिशन ऑफ एसोसिएटिव को हम, अगर ग्रुप है तो ये चीज़ होल्ड जरूर करेगा, तो अगर ये चीज़ होल्ड कर रहे हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, है कि नहीं, हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि ये जो एलिमेंट है वो हमारे क्या है, ग्रुप के हैं। सो इसको हम देखिए एसोसिएटिविटी का यूज़ करके हम इसको कैसे बना सकते हैं, देखिए ए बी, बी इनवर्स और ए इनवर्स को हम इसको जो है अलग से लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर फिर से एसोसिएटिव यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ए को ऐसे एज इट इज़ रख देंगे और बी इनवर्स को एक साथ हम यहाँ पर लिख लेंगे और ए इनवर्स तो एज इट इज़ बाहर है ऐसे। अब देखिए बी और बी इनवर्स हमें क्या पता है, बी बी इनवर्स हमें क्या मिलता है, ई मिल जाता है, सो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, इसके प्लेस पर ई पुट कर दिया है, है ना, तो मैंने यहाँ पर साइड में लिख भी रखा है सिंस करके, आप लोग देख लीजिए इसको। फिर ए ई है ना, ई हमारा आइडेंटिटी, हमें पता है कि कोई भी जो है एलिमेंट है उसको हम अगर उसके आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ अपडेट करवाते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, हमें सेम वही एलिमेंट मिल जाता है। सो यहाँ पर हमने वही देखा है ए इनवर्स, है कि नहीं। सो यहाँ पर मैंने वही चीज़ लिख के भी रखा है, आप लोग भी इसे लिखिए क्योंकि ये नेसेसरी है, अगर इसको आप नहीं लिखोगे तो एग्जामिनर जब आपका कॉपी चेक करेगा तो उस टाइम उनको पता नहीं लग पाएगा, है ना, कि ये सब चीज़ें कहाँ से आया है,
एक्चुअल में एग्जामिनर को सब पता तो है कि वो कहाँ से क्या आता है, कैसे सॉल्व करते हैं, बट वहाँ पर आप नहीं रहते हो। जब एग्जाम एग्जामिनर के पास आपकी कॉपी होती है तो वहाँ पर आप नहीं रहते हो, आपकी कॉपी रहती है। सो आपके कॉपी में ऐसे लिखा हुआ होना चाहिए कि एग्जामिनर को आपसे पूछने की ज़रूरत ना पड़े, आपके कॉपी से ही जो लिखा हुआ है उसी से समझ में आ जाए, है कि नहीं। सो यहाँ पर इसीलिए आपको ये सब सारी चीज़ें नोट करना, डिनोट करना बहुत ज़रूरी है। सो आप लोग इसे अगर भूल जाएंगे तो आपके मार्क्स में भी कट सकते हैं, सो इसे ध्यान रखिएगा। सो इसको हम क्या कर सकते हैं, आप देखिए ए ए इन्वर्स है तो हम ए इन्वर्स को क्या लिख सकते हैं, ई लिख सकते हैं फ्रॉम दिस, है ना, हम यहाँ से देख सकते हैं। अच्छा इसको तो हमने कर लिया, अब हम क्या करेंगे, इसको दूसरी तरफ से करेंगे ऑल्सो, बी इनवर्स ए इनवर्स ए बी, है ना। पहले हमने इधर से ऑपरेट करवाया था, अब हमने क्या करेंगे इस साइड से ऑपरेट करवाएंगे। जब इस साइड से ऑपरेट करवाएंगे तो देखिए हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से जो है हम बी को बाहर कर लेंगे और ये जो हमारा टर्म है देखिए यहाँ से यहाँ तक इसको हम एक ब्रैकेट में लिख लेंगे बाय एसोसिएटिविटी। जो एसोसिएटिविटी हमने पढ़ा था प्रॉपर्टी, उसी का यूज़ करके हम यहाँ पर जो है इसको लिख लेंगे। सो आगे देखिए, आगे क्या आ जाएगा इसका, यहाँ से B इनवर्स, अब देखिए A इनवर्स हम इसको फिर से इसके साथ लिख सकते हैं, A इनवर्स A, और यहाँ पर B रह जाएगा, यहाँ पर फिर से आप लिख सकते हो बाय एसोसिएटिविटी। गाइस यहाँ पर देखिए अब B इनवर्स और इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम आइडेंटिटी एलिमेंट डिनोट कर सकते हैं, है ना। ए इनवर्स से देखिए यहाँ से हमें आइडेंटिटी लिख सकते हैं, यहाँ पर हम बता सकते हैं सिंस ए इनवर्स ए इज इक्वल टू ई, है कि नहीं। तो आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया है। गाइस आप इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। सो देखिए अब यहाँ तक तो हमने कर लिया है, अब देखिए इसका आगे का सॉल्वआउट हम कैसे कर सकते हैं। देखिए बी इनवर्स को हम एज इट इज़ ऐसे ही रख देते हैं, है ना। देखिए इस चीज़ को हम बी इनवर्स ए ही चल रहा था हमारा इधर, ए बी बी इनवर्स ए बी इज इक्वल टू, देखिए बी इनवर्स तो हम इसको ऐसे रख देंगे और ये आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ देखिए इसका ऑपरेट हो रहा है, तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर हमें बी मिल जाएगा, है ना। हम लिख सकते हैं यहाँ पर सिंस ई बी इज इक्वल टू, हमें बी ही मिलेगा क्योंकि ई हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब यहाँ पर देखिए बी इनवर्स बी है, है ना, बी इनवर्स बी है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई लिख सकते हैं सिंस बी इनवर्स बी इज इक्वल टू ई। वही स्टार्टिंग में मैंने जो लिख के रखा था वही प्रॉपर्टी इनवर्स का यूज़ किया है और यहाँ पर ई ला के रख दिया है। सो नाउ हमने क्या देखा, हमने जब जो है इसको ऐसे ऑपरेट करवाया था, देखिए पिछले वाले में ए बी बी इनवर्स ए इनवर्स उसको भी हमने ई के बराबर देखा था, और ये जो है ये भी हमारा ई के बराबर है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बी इनवर्स ए इनवर्स ए बी, है कि नहीं। उसमें भी हमने देखा था कि इसको ऐसा ऑपरेट करवाया तब भी हमारा ई ही आया था, और इसको हम इस टाइप से सॉल्व किया तो हमारा क्या मिल गया, फिर से ई मिल गया है। सो नाउ अब यहाँ पर हम लिखेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स, हम इनवर्स के डेफिनेशन से क्या देखते हैं, क्या मिल जाएगा हमें, ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, है ना। ए बी का जो होल इनवर्स है वो हमें बी इनवर्स ए इनवर्स मिल जाएगा। कैसे, देखिए आप कोई भी एक साइड को ले लीजिए, यहाँ तक ले लीजिए, इसको आप ऑपरेट करवाएंगे इस साइड में, देखिए ए इनवर्स से अगर ऑपरेट करवाएंगे, यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक अगर आप यूज़ करते हैं, देखिए यहाँ पर हम जो है इसको ऐसा सॉल्व आउट करते हैं, कैसे, ए बी एक साइड को हम ले लेते हैं ए बी, और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू ई। अब हम अगर ऑपरेट करवाते हैं, ऑपरेटिंग ए बी होल इनवर्स इन बोथ साइड, अगर दोनों साइड में हम ये चीज़ ऑपरेट करवाते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, देखिए ए बी का होल इनवर्स ए बी, है ना, और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू, यहाँ से हमें ए बी होल इनवर्स ई। और आप लोगों को पता है कि ये चीज़ मिलकर के हमें क्या दे देगा, आइडेंटिटी, ये हमें क्या दे देगा, ये तो हमारा एज इट इज़ रहेगा बी इनवर्स ए इनवर्स, है ना। और हमें पता है आइडेंटिटी के साथ कोई भी एलिमेंट अगर ऑपरेट होता है तो वो चीज़ हमारा सेम रह जाता है, है ना। तो ये आइडेंटिटी के साथ इसका ऑपरेट करवाएंगे तो हमें वही मिल जाएगा बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू ए बी होल इनवर्स, है कि नहीं। तो यही चीज़ हमें जो है प्रूव करके बताने थे, हेंस प्रूव, हैंस प्रूफ।
है ना, यही चीज़ हमें जो है बताने थे। हमने यहाँ से क्या किया, थोड़ा सा ऑपरेटिंग करना पड़ा हमें ए बी का होल इनवर्स, है ना। डायरेक्टली हम यहाँ से नहीं कर सकते, तो जब ऑपरेट करवाएंगे तो हमें ये मिल जाएगा अच्छे से, समझ में। सो आई होप कि स्टूडेंट्स ये जो थ्योरम मैंने करवाया आप लोगों को वो अच्छे से क्लियर हो गया है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें, ताकि जो आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको पहले मिल सके और अच्छे से आपको हर एक टॉपिक क्लियर हो सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।